लक्ष्मी बॉम्ब, नाम से तो ऐसा लगता है जैसे अभी फूट जाएगा, लेकिन नहीं, इसको देखने से तो जनता का कट जाएगा। तो आओ यार खोपचे में बैठ जाओ, मन करे तो लेट जाओ और देखते जाओ ये वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और चलो। एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर से बढ़ के और कुछ नहीं होता, और आप सब्सक्राइबर हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। फिल्म में एक डायलॉग है कि अगर मेरे सामने भूत आ गया तो माँ कसम मैं चूड़ियां पहन लूंगा। तो मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी इतनी फट रही थी तो करण जोहर को ले लेते हैं, उसके शौक तो वैसे भी मिलते जुलते हैं। I like it. तो यार जो लोग फिल्म को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उनको मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि फिल्म में कुछ नया नहीं है। मतलब कंचना को उठा के उसकी जगह लक्ष्मी बॉम्ब कर दिया गया है, और वैसे भी मेकर्स को सिर्फ लक्ष्मी से मतलब है, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि अक्षय कुमार साड़ी में कैसा लगता है, साड़ी में कैसा लगता है, साड़ी में कैसा लगता है। यार ऐसे लोगों के लिए मेरे पास में एक ही जवाब है कि टिकटॉकर्स क्या कम पड़ रहे थे तुमको अभी तक है? बेटा अपनी नियत को अपने जेब में रखना, फिसलने मत देना, क्योंकि वो इस कैरेक्टर में भी आग लगा देगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इस बात से कि अक्षय कुमार को फिल्म की लीड एक्ट्रेस समझे या फिर लीड एक्टर, लेकिन इस फिल्म से अक्षय कुमार ने एक और चीज साबित कर दी है कि अगर उनके पास काम कम पड़ा तो वो हीरोइनों का काम भी छीन सकते हैं। तो यार ये पहला ऐसा मौका होगा जब लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी अक्षय कुमार को क्या लग रही है कह के ताड़ेंगे। तो अब आते हैं फिल्म के ऊपर। लक्ष्मी बॉम्ब एक भूतिया कहानी है और लोग भूत के साथ में पेंट गीली करते हैं, लेकिन इन्होंने पेंट उतरवा के साड़ी पहना दी है कंफ्यूज करने के लिए। अब यार ये लोग फिल्म को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है, लेकिन तुमको मैं एक बात बता दूं कि भूत के साथ में कॉमेडी नहीं होती, फटती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार किड की फिल्में पिटती है। लेकिन यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये लोग कंचना का रीमेक क्यों कर रहे हैं, क्या इनको इसका हिंदी डब समझ में नहीं आया या फिर इन्होंने गोल्ड माइन को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो यार फिल्म में एक स्टार किड है जो जितना कम बोलता है उतनी फिल्म हिट होती है, इतना दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, इट्स अ तुषार कपूर। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में तुषार कपूर को इसलिए लिया गया क्योंकि अगर भूत इसके सामने कभी आ भी गया तो इसकी पेंट लीक हो जाएगी लेकिन इसकी आवाज लीक नहीं होगी, और हॉरर कॉमेडी तो ऐसी आएगी। फिल्म में बहुत कुछ है जैसे कियारा अडवाणी, समझ रहे था बेटा, हंस रहा है, लड्डू मन में लड्डू है, फूट जाएगा बेटा, ज्यादा मत हंसे। लेकिन यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि फिल्म में इतना ग्लैमर है और सारा का सारा अक्षय कुमार में है तो फिर कियारा अडवाणी को क्या पोछा लगाने के लिए रखा हुआ। यार अब आते हैं रीमेक के ऊपर। रीमेक मतलब क्या? गोबर से कंडे बनाना। और बॉलीवुड वालों के पास में अपना बोले तो क्या, सिर्फ रोमांस रोमांस रोमांस, और ये दिखा दिखा के तो ये देश की आबादी करोड़ों में कर चुके हैं। और अगर इन्हें किसी स्टार किड्स को लॉन्च करना होता है तो इनकी पहली पसंद होती है रीमेक मूवी, लेकिन ये एक चीज भूल जाते हैं कि बेटा गू तो गू होता है, अब एक बार देखो या 100 बार देखो मुंह से सिर्फ उल्टी आएगी। और ये स्टार किड्स यार इसी लायक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को स्टार किड्स को भी रोस्ट करना चाहिए, उन पे भी वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको पहले मिलती रहे। तो यार जब भी मैं कोई नई बॉलीवुड मूवी देखता हूं तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि रियल कंटेंट, और अगर उसमें रियल कंटेंट नहीं होता तो मेरा मन करता है साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देना। और वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना मत भूलना। खुश रहो, हंसते रहो और देखते रहो हसले इंदौर। मैं नए नए वीडियो लेके आते रहूंगा बहुत जल्दी, और बने रहिए मेरे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड।